हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेडिसन नाथ द्वारा में और यहाँ पर हम लोग इनका नया फूड मेन्यू ट्राई करने वाले हैं। मेरे साथ शेफ पन्नालाल जी हैं। पन्नालाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पन्नालाल जी, बताइए अपने रेसिपीज के बारे में, क्या क्या है हमारे साथ? हमने हरे चने और बादाम का अर्क बनाया है सूप, दिस वन ओके, जो एकदम डिफरेंट है हमारी पर्सनल रेसिपी से। उसमें ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको इसके अलावा। ओके, पोटेड नाचोस है, देसी स्टाइल पनीर है और सोल्ट एंड पेपर काबुली है। ये पनीर है? ये वाला। अच्छा, दिस इज ये वाला। ओके, और ये हमारे देसी काबुली है। ठीक है, और ये हमारे चिया पुडिंग है और ये कसडिया है। तो ये मतलब पूरा स्टार्टर से लेके और मेन कोर्स वगैरह सब है इसके अंदर, क्योंकि सारे सब्जियां भी दिख रही हैं। तो कुछ टेस्ट वगैरह करवाएंगे कैसे? बिल्कुल, आप नाचो ट्राई करो, आप कसडिया ट्राई करो। आप इसको सॉस के साथ ले लेते हैं, है ना? क्या इसके अंदर स्टफिंग किस चीज़ की? इसके अंदर स्पिनेच एंड फ्रेश हर्ब्स, पालक की और कुछ फ्रेश हर्ब्स और क्या ट्राई कर सकता हूँ मैं? आप ये ट्राई करो, नाचोस ट्राई करो। एज यूजुअल फ्रेश पिंक, इसके अंदर पनीर, टमाटर, सालसा सालसा। ओके, लुक्स डिलीशियस, टेस्ट वेरी डिलीशियस। कसडिला बहुत अच्छा था, उसके अंदर उन्होंने पूरा ग्रीन रखा हुआ है, उसके अंदर उसकी पूरी स्टफिंग, जिसका मतलब आप देख लीजिए कि जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी होंगी वो, और मेन इंग्रेडिएंट जो बता रहे हैं वो पालक का रहेगा। सूप ट्राई कीजिए आप, दिस इज सूप। ये पूरा अलग है, इसी रेसिपी से हमारे पास और किसी के पास नहीं, हमारी खुद की बनाई है। क्या क्या है इसके अंदर? इसमें हरे चने और बादाम। हरे चने और बादाम का बनाया है आपने? ये पहली बार हरे चने और बादाम का सूप ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी। नाइस, फॉर अ स्टार्ट, गुड स्टार्ट एपेटाइट के लिए हरे चने और बादाम का सूप है। कंप्लीट न्यूट्रिशन वैल्यू का सूप है। तो अगर आप जो लोग हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं वो लोग, ये थर्ड ऑप्शन आपने जनरेट कर दिया उन लोगों को। ये किसका सूप है? ये मिनिस्ट्रोनी। अच्छा, मिनिस्ट्रोनी क्या है? टोमेटो सूप के अंदर दूसरी सारी एग्जॉटिक वेजीज। ये अपनी टोमेटो शोरबा है, टोमेटो शोरबा है। ओके, यहाँ पर चिया पुडिंग है। ये तो डिजर्ट भी रखा होगा। हाँ, ये डेजर्ट। ठीक है, सब ऊपर नीचे हो गया, लेकिन फिर भी अपन ट्राई कर लेते हैं। बहुत स्वागत आ रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब जो घर में अपन साबुदाने की खीर खाता है ना, वैसा टेस्ट है, मतलब काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है। तो मतलब चेंज के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या है? इसमें चिया और कोकोनट। चिया और कोकोनट, ट्राई करनी है। ये पनीर वाला? ये पनीर, देसी पनीर, देसी चिली पनीर। देसी चिली पनीर, वो क्या है इसके अंदर आपको थोड़ा देसी बताओ। मतलब हमने इसको चाइनीज स्टाइल में नहीं बनाया है, राइट, इसको हमने देसी स्टाइल में बनाया है। ओके, देसी स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, पाउडर वाले कम यूज किए हैं इसमें और होम ग्राउंड स्पाइसेस ज़्यादा यूज किए हैं इसमें। टेस्ट भी बैठ रहा है। यस, पूरी तरीके से। बहुत अच्छा, सब्जी हो गया ना? दाल मखनी। अच्छा, दाल मखनी। ओके, ट्राई कर सकते हैं दाल मखनी। फ्रेंड्स, दाल मखनी आप देख सकते हैं, ऊपर क्रीम थी, डेंस है काफ़ी, बढ़िया। एक बार टेस्ट कर लेता हूं। बहुत ही शानदार मज़ा आ गया है, एक बाइट और। और कुछ रहा? थोड़ी, ऑलमोस्ट सारा हो गया। तो फ्रेंड्स, ट्राई कर रहा था, दाल मखनी का स्वाद बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया गले में जाके। थोड़ी बोली है तो मेरी भी सांस अटका दी, इसके लिए मैं एक बार फिर से डिज़र्ट ले रहा हूँ। वेरी कंफर्टेबल फूड। क्यों देखे मेरे पीछे? दिस इज रूफ टॉप रेस्टोरेंट ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ब्रह्मांड इसका नाम रखा है। मेरे साथ पन्नालाल जी हैं, एक्जीक्यूटिव शेफ, इन्होंने ही पूरी इसे तैयार किया है।
और इस व्यू का एंजॉय लेते हुए आप यहाँ पर फूड एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे डिनर्स लंच भी रखते हैं यहाँ पर ओनली डिनर। तो डिनर के लिए अपने उदयपुर से पास और नाथद्वारा के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटी है, रेडिसन नाथद्वारा के अंदर ब्रह्मांड रेस्टोरेंट, और शिव जी का स्टैचू देख सकते हैं, आशीर्वाद लेते हुए भोजन कर सकते हैं प्रभु का। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब चांदनी रात होगी तो बहुत और मतलब इसका इस व्यू का और मज़ा बढ़ जाता होगा। सो अच्छा लगा बनला जी, थैंक यू सो मच।